नमस्ते, स्वागत है आपका चुमास रसोई में। आज हम बनाना सीखेंगे बेल का शरबत। बेल को हम वुडन एप्पल भी कहते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने बेल के सारे बेनिफिट्स इस वीडियो में बताए हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा बेल। बेल को हम तोड़ के इसका आधा अंश लेंगे और फिर एक स्पून की मदद से हम इस बेल का जितना पल्प है वो सब अच्छे से स्कूप करके एक बाउल में निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका फ्रूट पल्प बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। हम नेक्स्ट स्टेप में इस फ्रूट पल्प को निकालने के बाद इसमें वाटर डाल के इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। मैंने यहाँ करीब आधा कप पानी का यूज़ किया है। अब बेनिफिट्स की ओर चलते हैं। तो बेल का सबसे पहला बेनिफिट यह है कि ये आपके शरीर को ठंडा रखता है। अब देखिए कि पल्प कितने अच्छे से मैश हो चुका है, पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने इसको। और अगर बेल की और बेनिफिट्स देखा जाए तो इसमें आता है कि ये आपका एनर्जी बूस्ट करता है, आपकी बॉडी को क्लिंस करता है यानी कि डिटॉक्स करता है, साथ ही साथ ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। हमारा बेल का पल्प रेडी हो चुका है। इसे हम एक स्ट्रेनर में लेके अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो सीड्स है वो सेपरेट हो जाए और जो ड्राई पल्प है वो भी इसमें रह जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, चम्मच यूज़ करके इसको अच्छे से स्ट्रेन करते जाएंगे। हम जो ड्राई पल्प रहेगा उसे हम साइड में एक प्लेट में रख देंगे और फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक कि सारा पल्प हमने इससे एक्सट्रैक्ट ना कर लिया हो। अब आप ये भी जान लीजिए कि बेल आपके डायबिटीज़ को मैनेज करता है, साथ ही साथ वेट लॉस में भी आपको हेल्प करता है। अब हम एक्सट्रैक्ट किए हुए पल्प में डाल देंगे 3 टीस्पून पाउडर्ड शुगर। इसमें मैंने पाउडर्ड शुगर का यूज़ किया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके। अब इसे हम स्टर करेंगे, अच्छे से स्टर करेंगे 1 से 2 मिनट जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें आधा कप दूध और फिर से अच्छे से स्टर करने लगेंगे जब तक कि यह अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसमें करीब आपको 1 से 2 मिनट लगेगा स्टर करते करते ताकि सब चीज़ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा जूस हो जाए रेडी। इतनी मेहनत के बाद हो गया है हमारा बेल का शरबत रेडी। अब बढ़ते हैं सर्विंग की ओर। इसके लिए मैंने एक ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स डाले और उसके बाद इसमें बेल का शरबत डाल दिया है। आप चाहे तो आइस क्यूब्स ना भी दे सकते हैं, मैंने दिया है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गार्निशिंग के लिए आप एक पुदीना पत्ता इसके ऊपर दे सकते हैं ताकि ये बहुत सुंदर लगे देखने में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चाहिए तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इजीली मिल जाएगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।